हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यारा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स पर। ध्यान रखने योग्य बातें नंबर एक, अगर शुगर हो गया हो तो रोज़ाना सुबह के वक्त निहार मुंह ताजे आंवले का रस एक चम्मच शहद मिलाकर सेवन करना चाहिए, इससे शुगर का मर्ज खत्म होता है। नंबर दो, खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने से पेट संबंधित रोग दूर रहते हैं और उम्र भी लंबी होती है। नंबर तीन, जायफल के चूर्ण को सरसों के तेल में मिलाकर पका लें, फिर उस तेल से कमर की मालिश करें, कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। नंबर चार, अगर आपकी आंखें कमज़ोर है और उसकी वजह से सर में दर्द रहता हो तो रोज़ाना सुबह खाली पेट एक आंवले का मुरब्बा खाएं, आंवला शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नंबर पाँच, अगर कोई इंसान ज़्यादा चावल का सेवन करता है तो उसे दमे की बीमारी हो सकती है। नंबर छः, खून की कमी होने पर एक गिलास अंगूर के जूस में दो चम्मच शहद मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है। नंबर सात, अधिक झुककर पढ़ने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर होता है। नंबर आठ, अगर घर पर कोई भी अकेला हो और हार्ट अटैक आ जाता है तो कैसे बचे? अचानक सीने में दर्द शुरू होता है और दर्द बाई हाथ से होकर दांतों की जबड़ों तक महसूस हो तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे में कोई आपकी मदद के लिए वहाँ मौजूद नहीं है या हॉस्पिटल दूर है तो अपनी मदद आप खुद कीजिए। तुरंत जोर जोर से खांसना शुरू करें और हर दफ़ा खांसने से पहले एक लंबा सांस लें। ऐसा करने से आपको ऑक्सीजन मिलेगा। यह शेयर करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। नंबर नौ, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में आंवला पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करने से बालों की लंबाई बढ़ने लगती है। नंबर दस, अगर आँखों में धुंधलापन नज़र आने लगे तो सुबह उठते ही आँखों में सुरमा जरूर लगाएं। आप काजल का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। नंबर ग्यारह, अगर ज़्यादा खा लेने की वजह से पेट खराब हो तो अदरक चबाकर खा लो। नंबर बारह, अगर आपके पेट में तेजाब बनने की प्रॉब्लम है तो रोज़ाना सुबह खजूर का सेवन करें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर तेरह, जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उन्हें सुबह उठकर सैर करनी चाहिए और ताज़ी हवा में लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए, इससे उनका डिप्रेशन कम होगा और दिमाग को ताजगी मिलेगी। नंबर चौदह, ब्लड प्रेशर के मरीजों को कभी भी डालडा घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा तेल का ही सेवन करें। नंबर पंद्रह, जब भी आप दूध को गर्म करो उसमें एक इलायची डाल दो, इससे दूध जल्दी ख़राब नहीं होता। नंबर सोलह, कच्चे ताजे दूध की कुछ बूंदें ग्लिसरीन में डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे दूर होते हैं और चेहरे पर निखार आता है। नंबर सत्रह, अगर आपके भी घुटनों में दर्द रहता हो तो सुबह खाली पेट एक से दो अखरोट का सेवन किया करें, कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर अठारह, खाली पेट चना खाने से हड्डियां मजबूत होती है तथा हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। नंबर उन्नीस, गर्मियों में आंवले का शरबत पीने से प्यास नहीं लगती और लू के रोगों को बचाव होता है। नंबर बीस, गुड़ के साथ मेथी की सब्जी पकाकर खाने से गठिया रोग कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे चला जाता है। नंबर इक्कीस, अगर खून की कमी हो रही हो और कमजोरी महसूस हो रही हो तो गाजर को कद्दूकस करके दूध में उबाल कर पिए, ये आंखों की रोशनी तेज करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 22, जिन्हें नींद ज़्यादा आती है उन्हें जामुन खानी चाहिए, इससे नींद कम आती है। नंबर 23, ज़रूरत से ज़्यादा सोना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। नंबर 24, दवाई को ठंडे पानी से लेना चाहिए, हल्के गुनगुने पानी से दवाई लें। नंबर 25,
जो इंसान रोज़ सुबह 1 घंटा पैदल चलता है उसका दिल हमेशा सेहतमंद रहता है। नंबर 26, तांबे के बर्तन में से 10 घंटे रखा हुआ पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, साथ ही वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नंबर 27, जब भी रोटी बनानी हो तो ताज़ा आटा गूंदे, कभी भी आटा गूंद कर फ्रिज में न रखें। इसके अलावा 15 दिन से ज़्यादा पुराने आटे के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसलिए महीने भर का आटा एक साथ ना पिसवाए। नंबर 28, आयुर्वेद के अनुसार चीनी एक तरह का सफ़ेद जहर है, चीनी की जगह गुड़ का सेवन करना उत्तम उपाय है। भोजन के बाद एक छोटी गुड़ की डली खाने से शरीर का पाचन अच्छा रहता है। नंबर 29, रिफाइंड ऑयल के सेवन से ब्लड प्रेशर, हृदय और कैंसर के रोग में वृद्धि हुई है। खाना पकाने के लिए कच्ची घाने का तेल ही प्रयोग में लाए। नंबर 30, सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 गिलास पानी पिए, ब्रश भी पानी पीने के बाद ही करें। नंबर 31, प्याज के रस में नींबू निचोड़ कर पीने से सीने की जलन शांत हो जाती है। नंबर 32, पके हुए जामुन का शरबत पीने से भी पेट का दर्द चला जाता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है, किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन नियमों को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।